तो दोस्तों आज हमारे पास है बेंचमार्क का वायरलेस माइक, जिसको कि हम BMT ब्लॉग माइक भी बोलते हैं, जिसका कि मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूं और देखने वाला हूं कि इसका जो है क्या लुक एंड डिज़ाइन है और किस तरह से वर्क करता है और कितना वर्क करता है। तो चलिए मैं इसका फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखा देते हैं कैसा माइक है, कैसा लुक है, कैसा डिज़ाइन है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी पन्नी को रिमूव करते हैं, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से इसकी बिल्कुल साइड कर देते हैं पन्नी को। ओके, अब मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते कि इसके अंदर है क्या, और इसको हम आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये उल्टा है तो सीधा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखने को मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, ठीक है, तो इस तरह का वारंटी कार्ड है, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। और ये है मेरा बेंचमार्क का वायरलेस माइक, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और कितना बड़ा है यार, कितना प्यारा सा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बेंचमार्क का प्यारा सा लोगो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक देखने को मिल जाता है यूजर मैनुअल, ठीक है, प्यारा सा, जिसको बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। ओके, और इसके अंदर क्या है, ये शायद चार्जिंग केबल होगा, ठीक है, इसको भी मैं निकाल के देख लेता हूँ इसके अंदर क्या है, ठीक है। और इसके अंदर तो कुछ नहीं है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। और इसके अंदर चार्जिंग केबल है, देख लेते हैं कौन कौन सा चार्जिंग केबल दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं निकाल के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो एक बार यहाँ, तो ये रहा चार्जिंग केबल, और इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ नहीं है, और इसमें शायद ये तीन है, ठीक है, और ये है चार्जिंग केबल। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्जिंग केबल कितना लंबा है, ठीक है, चार्जिंग केबल काफ़ी लंबा है, और इसमें डबल केबल है, ठीक है, और एक USB पोर्ट है, और एक दो टाइप सी पोर्ट है, ठीक है। और इसका वायर का क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मस्त है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ ये तीन चीज़ क्या है, ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये है हेडफोन के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप हेडफोन लगा के जैक में काम कर सकते हैं। और ये जो है टाइप सी पोर्ट है, और इधर जो है ये माइक्रोफोन के लिए, ठीक है, और ये जो है मतलब कि आईफोन्स के लिए, ठीक है, आईफोन्स के लिए काम करता है। जैसे कि मान लिया, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो इसमें से थोड़ा सा नहीं मैं निकाल लेता हूँ, और ये रहा मेरा प्यारा सा माइक, ठीक है, बेंचमार्क का। फिर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मतलब मजबूत है, जितना तारीफ करूँ उतना ही कम मुझे लग रहा है, ठीक है, इसका बिल्ड क्वालिटी। और ये रहा एक रिसीवर, ठीक है, और ये रहा ट्रांसमीटर, और ये भी रहा ट्रांसमीटर, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, चार्जिंग है नीचे, इधर एक USB टाइप सी पोर्ट दिया गया चार्जिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर, और एक इंडिकेटर है, चार्जिंग इंडिकेटर। ओके, और मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, इन तीनों, तो ये है मेरा रिसीवर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडिकेटर, चार्जिंग रिसीवर इंडिकेटर है, जब रिकॉर्डिंग होगा तो यहाँ पे मतलब कि इंडिकेटर जलेगा, ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्जर है दिया गया है दो, ठीक है, तो एक आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है, इसमें, ताकि ये डायरेक्टली चार्ज हो सके, ठीक है, और एक यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चार्जिंग करने के लिए, ठीक है, ये रिसीवर के लिए, एक ये डायरेक्टली पूरा पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्शन, और ये ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है। तो ट्रांसमीटर में देखिए, जब आप ये जो दिख रहा है बटन, ठीक है, ये प्रेस होल्ड कीजिएगा तो ये ट्रांसमीटर जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है क्लिप दिया गया है, ठीक है, आपको लगाने के लिए गले में, और ये टाइप सी दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेंचमार्क का लोगो है, और ये यहाँ पर नेट दिया गया है, यहाँ रिसीवर, यहाँ से नेट दिया गया है, यहीं से तो आपका मतलब कि वॉइस को खींचेगा, ठीक है, और ये भी उसी तरह का है, ये क्लिप है, USB टाइप सी चार्जिंग है, पोर्ट है, और यहाँ बेंचमार्क का लोगो है, और इधर नेट है, ठीक है, यहाँ से आपका वॉइस को खींचता है। ओके, और इन दोनों ट्रांसमीटर में जो है चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों चार्जिंग पॉइंट तब काम करेगा, ठीक है, अगर ये दोनों ऑफ रहेगा तो ये दोनों काम करेगा। इसको आप जो है इसमें लगाइएगा, ठीक है, इसमें ओपन कीजिएगा, ये ट्रांसमीटर जो है, ये चार्जर जो है यहाँ पे काम करेगा,
जब इसको आप आराम से इसको रख देंगे, जब कोई काम नहीं है आराम से इसको रख दोगे बॉक्स में कहीं पे, ठीक है, तब ये चार्ज करता रहेगा। देखिए ये चार्जिंग इंडिकेटर आ गया है, ठीक है, इस तरह से ये चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद में ये तो मैंने आपको तीनों समझा दिया, ठीक है, और ये भी मैं आपको समझा दिया, ठीक है। इसको अगर आपको आईफोन में लगाना, ये तो एंड्रॉयड के लिए, ठीक है, अगर आपको आईफोन में लगाना है, ठीक है, आईफोन से शूट कर रहे हो वीडियो, तो आपको जो है ये वाला जो है टैप सी इसमें लगाना है, ठीक है, इसमें लगाना है, और ये जो है आईफोन के लिए, ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे घुसेड़ देना है, ठीक है, और आपको आईफोन में इसको घुसेड़ देना है, ठीक है। और आपको चार्जिंग में लगाना है, इसको आप डायरेक्टली चार्जर में लगा दीजिए, आपका ये भी चार्ज होगा और ये भी चार्ज होगा। और यहाँ पर देखिए मैं जब चार्ज में लगाया, चार्जिंग इंडिकेटर शो कर रहा है, ठीक है, इसको आप यहाँ से चार्ज में लगाकर आराम से इजीली छोड़ सकते हैं, ठीक है, और इंडिकेटर यहाँ पे जलता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, ओके। और ये रिसीवर है, ठीक है, ये भी चार्ज हो रहा है, ठीक है, देखिए जिसको मैं चार्ज में लगाया ये भी देखिए चार्ज हो रहा है, ठीक है, इसका भी इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रिव्यू देख लेते हैं कि कैसा वर्क करता है, कितने मीटर तक वर्क करता है, कितना दूर तक काम करता है, ठीक है, कितना रेंज है इसका, ठीक है, वर्क करने का, ओके। चलिए प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। तो ये ट्रांसमीटर जो है मेरा ऑन है, ठीक है, और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, और रिसीवर जो है मेरे मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है, और वीडियो जो है मेरे मोबाइल से शूट हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं कॉलर में लगाता हूँ और चेक करता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि कितने देर तक काम करता है, कितने दूर तक काम करता है, ठीक है, कितने रेंज तक काम करता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे जा रहे हैं हमारे अंकल, तो वहाँ तक मैं जाता हूँ, वहाँ तक है 40 मीटर, वहाँ मैं जाकर देखता हूँ, और वो घर तक 100 मीटर है, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कितने रेंज तक काम करता है, ठीक है। ट्रांसमीटर को मैं लगा लेता हूँ अपने कॉलर में, मैं अभी छत पे हूँ अपने, ठीक है, नीचे जाता हूँ। तो अब मैं कॉलर में लगा लिया हूँ इसको कॉलर में, ठीक है, और नीचे जा रहा हूँ, सीढ़ी पे हूँ, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कितने दूर तक ये काम करता है। और दोस्तों मैं 20 मीटर दूर तक आ गया हूँ, छत से नीचे यहाँ तक आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ तक 20 मीटर है, ओके। और कैसा वॉइस जा रहा है थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है, दायरे में हूँ, ठीक है, और मैं फटाफट जाता हूँ। तो मैं लगभग 30 मीटर दूर आ गया हूँ, 30 मीटर दूर, वॉइस कैसे जा रहा है थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। और यार इतनी दूर आया हूँ, इतनी धूप में वीडियो बना रहा हूँ, यार एक लाइक तो बनता है भाई, के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और गांव के लोग और जनता लोग भी मतलब हंस रहे हैं, यार क्या कर रहा है लड़का। चलिए कोई बात नहीं, लगभग मैं 30 मीटर दूर में आ चुका हूँ, अब वॉइस कैसा है, 30 मीटर नहीं सॉरी 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर दूर हूँ, और मैं जाता हूँ आगे, इतना वॉइस जा रहा है, ठीक है। पास में ये जो पुलिया दिख रहा है, ये पुलिया जो है 50 मीटर दूर है, ठीक है, 50 मीटर 50 मीटर दूर है, बस कैसे जा रहा है बताइएगा। अब मैं करने वाला हूँ 60 मीटर, 60 मीटर क्रॉस कर गया हूँ, 20 मीटर आ गया हूँ, बस जा रहा है या नहीं जा रहा है थोड़ा सा बताइएगा कमेंट करके, ओके, ठीक है। मूवी भी शूटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं 10 मीटर ऑन है या नहीं है देखता हूँ, थोड़ा सा ऑन है, ठीक है, मीटर आस पास में, और मैं 20 मीटर्स के दूर में आ चुका हूँ, 20 मीटर के दायरे में, और बहुत कड़ी धूप है, इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई के लिए, ठीक है, बहुत धूप है यार, बहुत कड़ी धूप है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग, ठीक है, भाई बहुत मेहनत करता है।